हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के थंबनेल बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब वीडियो के लिए अच्छे से अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरा थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, तो मुझे बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई हमें भी जो ना आपकी तरह थंबनेल बनाना है, तो प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि आप अपने थंबनेल को कैसे एडिट करते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने थंबनेल को पिक्सआर्ट के अंदर एडिट करता हूं। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सआर्ट है एप्लीकेशन है, तो मैं सारा कुछ अपने इसी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ही करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने यहाँ से जो ना बैकग्राउंड वो डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं रेड कर लेता हूँ, रेड बैकग्राउंड, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ के रेड बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। यहाँ आप इमेजेस पे जाके तो काफी सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। जो सा आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आपने ऐसे प्रेस करना है और यहाँ से आपने उसको जो ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है उसमें जाके तो आपने इस थंबनेल को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आगे अपने पिक्सआर्ट के अंदर, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो आपने अपने थंबनेल को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल इस टाइम ओपन हो गया, वॉल पर ओपन हो गया। तो इसके ऊपर अब मैंने अपनी जो फोटो लगानी है, उसके साथ साथ अपने जो मैंने वर्ड लिखने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को फुली वॉच करते हो तो आप एक अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। बाद में आप मुझे कमेंट करके ये नहीं बोलोगे कि भाई हमें थंबनेल बनाने का तरीका बताओ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप ये देख रहे होंगे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने टूल्स के ऊपर जाना है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा जो है ना क्रॉप का। तो आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें। उसके बाद आपने ये सबसे लास्ट पे जाना है, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हो आप, या आप जो है ना ट्विटर के लिए बनाना चाहते हो, फेसबुक के लिए बनाना चाहते हो। तो हम यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं थंबनेल, तो हमने यूट्यूब यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी बारी आती है कि हम अपनी इमेज को जो ना वो कैसे इसके ऊपर लगाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ऐड फोटो के ऊपर जाके तो आपने यहाँ से अपनी कोई सी भी फोटो जो है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऊपर जाना आपने, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको जाता हूँ पिक्सआर्ट में, ठीक है। तो पिक्सआर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से अपनी कोई एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं ये फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस फोटो में कुछ कुछ जो है ना पीछे आपको बैकग्राउंड के जो ना कुछ चीजें रह जाती हैं जब बंदा क्रॉप करता है, तो उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। चलिए पहले मैं उसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी जो है ना फोटो को सेट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ऊपर जो रेजर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये साइड पे कुछ नजर आ रहा है, आपने इसको यहाँ से अरेज कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इधर इधर नजर आ रहा है गर्दन के नीचे, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको अरेज कर देना है, कुछ इधर नजर आ रहा है ग्लासेस के पास, आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है कुछ बालों के पास, तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप ऊपर से इसको प्रेस कर देना है, और नीचे से आप इसकी जो है ना कुछ और भी सेटिंग कर सकते हो, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो जितनी अपनी मर्जी से आप चाहो, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने बस यही रखना है। तो चलो मैं आपको इफेक्ट भी करके बता देता हूँ कि इसमें आप कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। तो फ्रेंड, उसके साथ साथ यहाँ से इसको प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने अपनी इमेज लगा लेनी है। उसके बाद इमेज के साथ ही आप देखने नीचे देखें आपको नजर आ रहा होगा टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने लिख लेना है जैसे कि हाउ टू वायरल वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स,
हाउ टू वायरल, ठीक है, हाउ टू वायरल, ये आपका एक वर्ड हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसकी आप जितनी चाहे यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपने ये लिख लिया हाउ टू वायरल वीडियो, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे नीचे आपको नजर आ जाएगा कलर का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने कलर के ऑप्शन पे जाके कलर चेंज कर सकते हो, साथ ही आप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके अलग अलग टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे कोई भी अपनी मर्जी का आप टेक्स्ट यहाँ से रख सकते हो। जैसे मैंने ये देखना है उसके बाद मैं इसका कलर जो है ना कोई भी कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है, कोई सा भी कर देता हूँ। तो ये रेड बैकग्राउंड है तो इसके ऊपर व्हाइट ज़्यादा सूट करेगा, तो इसके ऊपर व्हाइट लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप साइड से देखेंगे तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप यहाँ से इसकी कलरिंग में जाके तो इसके मजीद जो ना ब्लर वगैरह को हाइड कर सकते हो, ओपोसिटी को उसको आप ज़्यादा कर सकते हो ताकि ये आपको ऊपर ज़्यादा डार्क शो हो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपने अगर PNG डाउनलोड किए होंगे तो वो आप PNG यहाँ लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ ऑप्शन आया हाउ टू वायरल वीडियो ऑन YouTube, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वीडियो फ्रेंड, तो ये वीडियो का ऑप्शन मैंने लिख लिया, इसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद हाउ टू वायरल वीडियो ऑन YouTube, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो ना YouTube का आइकन मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से आपको जो ना करके बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा डाउनलोड में, यहाँ मैंने यूट्यूब के आइकन डाउनलोड कर रखे हैं PNG, तो आप यहाँ से अपने PNG को जो है ना ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये PNG है यूट्यूब का, ठीक है फ्रेंड, इसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये PNG यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये आप ऐसे भी PNG लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप लिख भी सकते हो YouTube, ठीक है, हाउ टू वायरल वीडियो ऑन YouTube, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे करके तो आप अपने थंबनेल बना सकते हो, जैसा चाहो आप हेडिंग लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने कुछ आगे पीछे लिखना है तो कुछ भी आपने करना है यहाँ से आप कर सकते हो। नीचे से कलर का ऑप्शन मिल जाता है, क्या सारे कुछ ओपोसिटी आपने इसकी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, उसके बाद जो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसको यहाँ से सेव करके, ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऊपर आप सेव करोगे तो ये यहाँ से आपका जो ना सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ही ना, क्योंकि मैं बहुत ही डिमांड के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एक लाइक तो बनते बनता है, और साथ में मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।